अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज कतर में ईद उल फितर का दिन है। अभी टाइम हो रहा है 4:15, 10 मिनट पहले ही फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। इंशाल्लाह 5:21 पर ईद की नमाज़ है इधर कतर में, और मैं जा रहा हूँ ग्रैंड मास्क, जो कि कतर की सबसे बड़ी मास्क है। क्यों मास्क? मतलब मस्जिद बड़ी या छोटी नहीं होती है, बट सबसे प्यारी मस्जिद मुझे ये दिखती है कतर में। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का माहौल ईद के दिन खासकर बहुत अच्छा होता है। फैमिलीज आते हैं, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब, और बैचलर्स, बहुत अच्छा वाइब रहता है उधर, और एक घर वाली फीलिंग आती है वहाँ पर सबको देख के। पहली बार ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है कतर का, तोप। इसे कुछ लोग तोप बोलते हैं, कुछ लोग थोप बोलते हैं, मैं तो तोप बोल रहा हूँ। कंफर्टेबल है, माशाल्लाह अच्छा है। रेडीमेड लिया था बट फिर भी बराबर फिक्स हो गया है। तो अभी आप बताओ, आपको बताऊंगा कि इधर कैसा ईद की नमाज़ इधर कैसा होती है और पब्लिक कैसा आती है। व्लॉग कंटिन्यू करिए। अभी जस्ट नाउ 5 मिनट पहले मैंने कैब बुक किया है, वो 10 मिनट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं देखूंगा सीधा कैब के अंदर, और मे बी सीधा मस्जिद के अंदर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों है इधर। अभी वक्त हो रहा है 4:25, सो इसके लिए अभी अंधेरा ही है, और 30 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह रोशनी शुरू होगी, सूरज निकलेगा। जैसे कि मैंने कहा था, कैब बुक किया है, अभी कैब आ गई है और ऑन द वे हूँ ग्रैंड मास्क के लिए। आप देख सकते हैं कितना खामोश है अभी। खामोश तो इधर है, थोड़ा आगे जाने के बाद रश मिलेगा ऐसा चांसेस है, इसके लिए 1 आवर पहले ही निकल गया है। ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा बस पहुँचने के लिए। वाह माशाल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, और ये लोकेशन देखो, मैं बोला था ना ट्रैफिक मिलेगी अभी आगे जाके। वो जो वहाँ पर लास्ट में पिलर दिख रहा है मास्क का, वही है ग्रैंड मास्क। अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रैफिक, नॉर्मल टाइम्स में ट्रैफिक नहीं रहती है इधर। अब वजह ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सब आ रहे हैं। आप उधर देखिए, सब कार उधर ही पार्क करके रोड क्रॉस कर रहे हैं, सब लोग इधर मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं। बस कुछ ही मीटर, 200 या 250 मीटर दूरी पर है अभी ग्रैंड मास्क, जो आपको दिख रही है इसमें ऑलरेडी। और देख सकते हैं 1 घंटा पहले ही ऑलमोस्ट 70% फुल हो चुकी है ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर जितने कार पार्क कर रखे हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बाहर की ट्रैफिक देखकर। ऐसा रहता है इधर हमारी ईद। ऐसा नहीं है कि जैसे अपने मुल्क में सो गए नमाज से आधा घंटा पहले तक आराम से उठे नहाए धोए गए, यहाँ पर 1-2 घंटे पहले उठ के नहा धो के आना पड़ता है। मुझे तो बहुत प्यारी दिखती है इधर गल्फ में ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो गया इधर आके। मैं शायद लास्ट ईयर रमज़ान के बाद एक फ्राइडे के लिए आया था, 1 ईयर हो गया है। कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, देखते ही दिल खुश हो जाता है। अभी सब फ्री है इसके लिए, तस्वीर फोटोज वगैरह ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में क्राउड बिल्ड हो रहा है। अभी 1 आवर है, पूरा फुल हो जाएगा, अभी 20-30 मिनट्स है। और इधर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही आएंगे, लेडीज़, बच्चे, सब फैमिली एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं इधर। ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ मेल ही आने का, फीमेल अलाउ नहीं है, सब एक दूसरे के आजू बाजू में ही नमाज़ पढ़ते हैं। यानी जिसकी फैमिली है वो लोग अपने आस पास रहेंगे, जो बैचलर है वो थोड़ा बाजू बाजू रहेंगे दूर दूर। बहुत प्यारी जगह है। ये ग्रैंड मास्क अंदर का नजारा है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं बाहर कितना फुल है। अभी अंदर शायद अगर आधा घंटा नमाज से 10-15 मिनट पहले लेट आएंगे तो शायद ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे, नमाज ही नहीं मिलेगी। बेहतर है जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर।
अस्सलामुअलैकुम आपको और आपके घर वालों को, ईद उल फितर मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है ईद की, अल्लाह का शुक्र है मस्जिद के अंदर आके पढ़ने का नमाज मौका मिला है, क्योंकि एक घंटा डेढ़ घंटा पहले आए तो ही इधर जगह मिलेगी अंदर, वरना बाहर भी अच्छा ही है बट अंदर बैठ के पढ़ने की बात कुछ और ही है। اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل चलो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुकम्मल हो गया, अल्लाह हम सबकी इबादतें कबूल फरमाएं। अब सब देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। और बताओ सब कैसा लगा गल्फ़ का कतर का स्पेशली ईद की नमाज़ देख के? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुकम्मल हो गया, पता नहीं कितने इबादतें हुए हैं कितने गुनाह हुए हैं, बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी इबादतें कबूल फरमाएँ और हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। सो अभी आ गया हूँ मैं रूम वापस, उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 6:30, फिर 11 बजे उठना है इंशाल्लाह, 12 बजे सुबह की नमाज़ है जुमे की। आज पूरा दिन पूरा बिजी ही दिख रहा मामला, चलो जब तक 3-4 घंटे सो के उठते हैं उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। नमाज़ पढ़ के आ गया था रूम को, सो जाएंगे समझा, बट फिर याद आया हमारे मम्मी हमेशा बोलते थे कि रमज़ान की नमाज़ ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद एक खजूर खा के शीरखुमा पीना, बोल के इसके लिए अभी शीरखुमा पी रहा, खजूर तो खा लिया समझो, इसके बाद सो जाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह बोला था ना जोहर के टाइम उठना है, उसके बाद जोहर के बाद क्या होगा वो आगे कंटिन्यू करूँगा। हाँ तो कह के गया था सो जाऊँगा आराम से जोहर में उठूँगा, बट नींद लग रही नहीं, ये कैसा लाइफ है मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है, जब रमज़ान चल रहा था रोज़े चल रहे थे इतनी नींद आ रही थी ऑफिस में, मन कर रहा था आज छुट्टी ले लूँ आज छुट्टी ले लूँ, अब जब 5 दिन की छुट्टी है हमारे पास टाइम ही टाइम है नींद नहीं आ रही, अजीब लाइफ है यार। सो अभी 11:40 हो रहे हैं, इंशाल्लाह 12 बजे यहाँ पर जोहर की नमाज़ है, तो अभी ऑलरेडी 11:40 हो गए तो इसका मतलब मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको मस्जिद के अंदर जुम्मा की नमाज़ पढ़ना है कतर में तो आप अज़ान के साथ मस्जिद में रहना, जब अज़ा होंगी वो टाइम पे मस्जिद में रहोगे तो जगह मिलेगी, अभी तो बाहर ही मस्जिद के बाहर ही कहीं जगह मिलेगी तो वहीं पढ़ लेना पड़ेगा, तो यही ख़ास बात है गल्फ़ की। तो सोचो मस्जिद है इतना फुल हो रहे तो कितनी इबादत होती होगी इधर, अपने मुल्क में होती है इबादत, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट जितना यहाँ करते हैं वहाँ नहीं करेंगे वो मुझे मालूम है। ये इसके लिए तो इधर बरकत है यार, सब नमाज़ पढ़ते हैं इधर, सब 5 वक्त की, ऐसा नहीं है कि जुम्मा है सिर्फ फुल होगी, नॉर्मल टाइम पे भी मस्जिद फुल होती है। कितने मस्जिद है इधर, 1000 के ऊपर मस्जिद होंगे, ज़्यादा होंगे ये कंट्री में मस्जिद, और बहुत सारे हर मस्जिद फुल होती है। सो अभी 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मस्जिद, रूम के बाजू में ही 4 मस्जिद है मेरे, राइट लेफ्ट पीछे सामने सब ठीक है, तो देखते हैं जगह, अगर जगह मिलेगी तो अच्छा है अंदर बैठ सकते हैं, वरना आज थोड़ी सी धूप है बट अल्लाह का शुक्र है रमज़ान पूरा इतना प्यारा मौसम था, इतनी सी भी गर्मी नहीं थी, इतनी सी भी एक बार भी प्यास नहीं लगी मुझे। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंशाल्लाह हर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही रमज़ान उम्मीद करते हैं अल्लाह से हमारे लिए, ताकि मेरा तो हमारा तो छोड़ो, बस लेबर लोग काम करते हैं उनके लिए भी तकलीफ़ नहीं होगी, मौसम अच्छा रहेगा तो। सो लेट्स सी जगह मिलती है कि नहीं। लो मैं आ गया है मस्जिद के पास,
जैसे मैंने कहा था मस्जिद के अंदर हरगिज जगह नहीं मिलेगी आज, वैसे ही हुआ है। अभी यहीं कहीं जानेमाज डाल के नमाज पढ़ना होगा। देख सकते हैं लोग किधर, हर तरफ आगे पीछे सब जगह, जहाँ जगह मिली वहाँ जानेमाज डाल के बैठ जाते हैं नमाज के लिए। बस दिल पाक होना चाहिए, जगह का कोई नहीं देखेगा, रोड कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ। ठीक है चलो नमाज के बाद देखते हैं क्या करना है आगे का प्लान। अस्सलामुअलैकुम, सुबह जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है, अभी जाता हूँ होटल को कुछ लंच के लिए लेके खा लूँगा। उसके बाद दो चार लोग इनवाइट किए हैं, वहीं भी जाना है, फिर शाम को बहुत सारे इवेंट्स है उधर भी जाना है। सो देखते हैं कैसे गुजरेगी यहाँ से और कंटिन्यू। सो अभी होटल से मैंने मटन बिरयानी, शीरकुरमा और दही लेकर आ गया था। लंच करने के बाद प्लान करते हैं अभी जाना किधर है। बट आई थिंक इसमें मसाला बहुत हैवी दिख रहा है यार। शीरखुरमे को देख के मम्मी की याद आ गई, बट हमारी मम्मी ये बारीक सेमियाँ तो नहीं डालते थे उसमें। देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। जोहर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद लंच करा, शीरखुरमा पिया, सो गया था, फिर उठा, थोड़े कपड़े आयरन करने का था, कर लिया। तो एक फ्रेंड ने जो मुझे इन्वाइट किए थे, बोला था ना तीन चार लोग इन्वाइट किए थे, तो उनमें से एक के पास अभी जा रहा हूँ। जस्ट 5-10 मिनट की दूरी पर ये मेरे घर के करीब ही रहते हैं, अपने एरिया के मंडी बाज़ार के उन्होंने, सो उधर जा रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा तो प्लान है लुसेल जाने का, बट मैं सोच रहा हूँ आज कॉर्निश जाके कल लुसेल जाऊँ, आज कॉर्निश पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम से। तो देखते हैं कैसा होगा शेड्यूल इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन कबूतरों को एक साथ देख के एक पल में ऐसा लगा कि जैसे मैं इंडिया में हूँ या कोई दरगाह बारगाह में आया हूँ, बट नहीं, ये कतर है। कतर में भी कबूतर बहुत पालते हैं लोग, मेरे ही रूम में 15-20 कबूतर आते हैं बालकनी में, बहुत प्यारा दिखते हैं लोग। वाह, फ्रेंड के घर से निकला सीधा कॉर्निश मेट्रो स्टेशन आ गया था। मगरिब की अज़ान हो रही थी, नमाज़ इधर ही पढ़ गई मेट्रो स्टेशन में ही मस्जिद में। कॉर्निश से एग्ज़िट होके अभी इधर दोहा लाइट्स की तरफ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लाइट से डेकोरेट करके रखा हुआ है, रमज़ान से बट टाइम नहीं मिला जाने का। एक बार गए भी थे, कार पार्किंग नहीं मिली थी जब, इसकी वजह से वापस आना पड़ा। सो इंशाल्लाह आज फाइनली क्या बोलते हैं देखने का मौका मिल रहा, वो भी एक नज़ारा देख लूँगा ब्यूटीफुल सा। फिर कल इंशाल्लाह लुसेल बॉलीवुड में स्टार्ट है कल से, जो भी है प्रोग्राम्स कल से वहाँ पर जाकर देख सकते। सो इंशाल्लाह देखते हैं कैसा है वो, फोटोज़ में तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा दिखा है, अभी रियल में कैसा है वो देखना है जाके। वेदर की बात करूँ तो माशाल्लाह बहुत प्यारा वेदर है, और ये लोकेशन वन ऑफ माई फेवरेट लोकेशन ऑफ कतर है। ये जो कॉर्निश है ना, कॉर्निश सुख वाकिफ वक्रा सुख लूसे कतारा, ये सब अच्छे लोकेशन है इधर, बट सब में बेस्ट मुझे कॉर्निश पे अच्छा दिखता है, क्योंकि इधर वेदर भी अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के हॉलीडे से इसके लिए क्राउड भी बहुत बिल्ट हो रहा है, फैमिली से सब कपल से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो ईद माशाल्लाह बहुत प्यारी गुजर रही है, फैमिली की तो याद आएगी ही आएगी, बट एनी हाउ लाइफ है, सब एडजस्ट करके जीना है, क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह रमदान, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई लग रहा है कि रमज़ान में मैं इधर नहीं आया था, हालांकि टाइम था अपने पास, बहुत सारे छुट्टियां में मिले थे, वीकेंड्स में थे, बट पार्किंग नहीं मिली, बोलते बाद में ड्राइव भी नहीं करा, बट बहुत अच्छी जगह है इधर, फ्रेंड्स के साथ आएंगे फ़ोटोशूट भी अच्छा कर सकते इधर। माशाल्लाह फाइनली इधर आने का मौका मिल गया है आज, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है इधर, प्रे, रश बहुत है यार, इतनी अच्छी जगह कैसे मिस कर लिया है मैं अभी तक आने के। इधर क्या लिखा है, शेर, ओफो शेर है या शेर ही है, शेर प्रे। ये क्या है, रिफ्लेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसा लग रहा है आपको, सब लोग अच्छा है ना, ये लोकेशन इधर रिलैक्स करने के लिए जगह भी है इधर, आप आराम से थक गए होंगे तो चल चल के इधर बैठ भी सकते हो आराम से,
बट इतनी प्यारी जगह बैठेगा कौन यार, दो चार बार राउंड मारेंगे भी तो थकेंगे नहीं। और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है इधर, स्टारबक्स भी है स्पेशली। क्या लिखा है, पीस। सो फाइनली ईद कंप्लीट हो चुकी है, रात के 11:30 हो रहे हैं अभी, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। हाँ, ये व्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गल्फ़ में बैचलर है, जो अकेले रहते हैं, कि वो लोग भी ईद खुशी से मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं रूम में ही रहूँगा, ईद की नमाज़ पढ़ूँगा, फिर रात तक सो जाऊँगा, फिर रात में उठ के थोड़ा खा के फिर सो जाऊँगा। ऐसा नहीं रहने का, अपनी लाइफ को आप खुद एंजॉय करो, इसके लिए ये मकसद के लिए मैं खास ये व्लॉग बनाया है। अभी देखो मैं अकेला था सुबह से, सुबह 3 बजे उठा, रात के 12 बजते अब घर गए तक 1 बज जाते। सो एन्जॉय योर लाइफ। और सब पूछते रहते भाई तुम्हारे फ़ोन में उतनी क्लैरिटी नहीं आती, कौन सा है? भाई मेरे पास सिर्फ सैमसंग M12 फ़ोन है, ना मेरे पास बड़ा कोई सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, ना आईफोन है, बस यही फ़ोन से मैं इतने वीडियोस बनाया हूँ और टिकटॉक पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं मुझे, और इतने ब्लॉग्स भी बनाया हूँ। देखो कुछ बनाने के लिए एक महंगी चीज़ नहीं चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए बस, और देखने वाले अच्छे लोग चाहिए। सो वन सेकेंड, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, दुआ मैं याद, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं क्या होगा।